तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों मैं आज अपना बेडरूम आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से मैं अपना बेडरूम को सजाया है मैंने। देखिए सुबह का टाइम है तो सब फैला हुआ है, तो मैं उसे व्यवस्थित कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जो एक झाड़ू होती है जो जिससे कि जाला झड़ाया जाता है वो बहुत ही अच्छी रहती है नरम, तो उससे क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से धूल निकल जाती है, तो मैं उसी का प्रयोग करती हूँ दोस्तों। और डेली साफ़ करना पड़ता है। ये हैंड वाश है, हैंड वाश से मैं मिरर साफ़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मिरर साफ़ हो जाता है। और दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि मखमल का कपड़ा यूज़ कीजिए। मखमल के कपड़े से क्या होता है, जितनी भी डस्ट रहती है उसमें चिपक जाती है। और अच्छे कपड़े से फिर क्लीन कर लीजिए। देखिए दोस्तों मिरर कितने अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा चमकने लगा है। ये मेरा बेडरूम की जो खिड़की है उसमें काफ़ी डस्ट आ जाते हैं, तो मैं उसी झाड़ू से इसे साफ़ कर रही हूँ ताकि इससे अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाए। दोस्तों रोज़ साफ़ करना पड़ता है वरना बहुत ही ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है, और इसे बंद करना पड़ता है और आगे पीछे अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है। मैंने पर्दा लगा दिया है और उसे पर्दा में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। छोटे छोटे से टेडी हैं। ये पुराना टीवी है दोस्तों, लेकिन मैं इसे हटा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी यादें इससे जुड़ी हुई है। ये मेरे फादर इन लॉ का है और इसे भी मैंने थोड़ा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। ये मैंने झाड़ू खरीदी है, ये झाड़ू प्लास्टिक की है दोस्तों। ये मैं ये बताना चाह रही हूँ, झाड़ू बहुत ही अच्छी है ना, तो इससे धूल गिरती है और बहुत ही अच्छी तरीके से फर्श साफ़ हो जाता है। दोस्तों ये मेरे बेड का कबर्ड है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं, काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप देख लीजिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इसमें मैंने पुराना देखिए मेडिसन है, मेडिसन क्या है रात के वक्त कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं रखी हूँ, मूव रखी हूँ। ये मेरा पट्टा है कमर का, पैर जैसे कमर में दर्द होती है तो मैं कभी कभी इसे इसका यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरी चूड़ी का बॉक्स है एक, मैं इसे अच्छी तरीके से दीवार में लगा दी हूँ और जब मुझे इच्छा होती है मैं इसे निकाल के पहले। ये मेरी और मेरे मिस्टर की फ़ोटो है जो कि मेरी शादी के टाइम की है। दोस्तों ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगा। कई बार क्या होता है चश्मे के डब्बे को सब फेंक देते हैं, मगर मैंने इसमें क्या किया है, जो ओल्ड ज्वेलरी वगैरह होती है मैंने उसमें रखा है। और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों इसका यूज़ भी हो जा रहा है, आप कभी भी इसे फेंकिए नहीं चश्मे का डब्बा को। और इसी तरीके से मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऐसा लगता है ये मुगल शासकों के ज़माने का है, मगर बहुत प्यारा लगता है मुझे। और छोटा सा कार्नर में मेरी जगह मिली थी, तो दोस्तों देखिए एक जगह मिली थी छोटी सी थी, तो मैंने उसे बेल टांग दिया और एक नकली बाल लगा दिया है और उसमें चिमटी और बक्कल्स लगा दिए हैं ताकि मुझे टाइम से मिल सके। ये नाइट लैंप है जो कि बांस का बना है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है और मैं रात को दिया लगाती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा शुभ विचार मेरे अंदर आते हैं। देखिए दोस्तों मेरा बेडरूम आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम सामानों से और बहुत कम पैसों में ही अपना बेडरूम तैयार किया है।